कभी आपने सुना है कि मैं स्किन के लिए खाना खा रही हूँ? स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो शुगर, डेट, फ्रूट जूसेस कम से कम यूज करो। कॉलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, कॉलेजन ग्लू की तरह होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। आज का टॉपिक है स्किन के ऊपर। हो सकता है कि आपके बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर्स हों, बट स्किन अच्छी ना होने के कारण आपका फेस अट्रैक्टिव ना दिखता हो। जब भी हम स्किन की बात करते हैं, लोग बात करते हैं फेस वॉश कौन सा यूज कर रहे हैं, सिरम क्रीम कौन सी यूज कर रहे हैं। कभी आपने सुना है कि मैं स्किन के लिए खाना खा रही हूँ? एक्सटर्नल और इंटरनल अप्रोच दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल अप्रोच मतलब फेस पे कुछ अप्लाई करना, वो ये मेक श्योर करता है कि आपकी प्रेजेंट स्किन की हेल्थ कैसी है या कैसी दिख रही है। जो इंटरनल अप्रोच है मतलब हम स्किन के लिए क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, ये आपकी बॉडी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपकी फ्यूचर स्किन कैसी बनानी है। स्किन आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, जैसे कि हर ऑर्गन रीजनरेट होता है, स्किन भी रीजनरेट होती है। आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगी कि आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी बॉडी को, ताकि आपकी स्किन फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो है रिप्लेस योर शुगर विद स्टीविया। मुझे मालूम है लोग जैसे ही शुगर को रिप्लेस करते हैं, लोग फ्रूट्स यूज करते हैं, फ्रूट जूसेस यूज करते हैं, डेट्स यूज करते हैं। गाइज, ये सब चीजें फ्रुक्टोज से भरी हुई हैं। फ्रुक्टोज क्या करते हैं आपके शरीर में जाके, जो कि ऑल्सो 50% ऑफ टेबल शुगर है, आपके शरीर के अंदर जाके कॉलेजन के साथ जुड़ जाता है और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है विद द प्रोसेस ऑफ AGE, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जो कि स्किन की एजिंग का सबसे बड़ा हिडन रीजन है। तो शुगर, डेट, फ्रूट जूसेस कम से कम यूज करो। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर है, आप अपनी डाइट में कॉलेजन जरूर ऐड करो। कॉलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, कॉलेजन ग्लू की तरह होता है। लोग कह रहे हैं मेरी स्किन फट रही है, डिहाइड्रेट हो रही है, ग्लू खत्म हो रहा है, वो ग्लू है कॉलेजन। शरीर 25 साल की उम्र के बाद हर साल 1-2% कॉलेजन लूज करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जहां पे सूरज की किरणें स्किन को मैक्सिमम डैमेज करती है, फॉर एग्जांपल इंडिया, दुबई इज एस्ट्राजेनेका। एज पर नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कंपाउंड एस्ट्राजेनेका है, जो कि हमने अपने ओमेगा 3 में डाला हुआ है और क्रिल ऑयल में नेचुरली होता है, जो उसको ऑरेंज कलर देता है, ये आपकी स्किन का इंटरनल सनस्क्रीन यूवी प्रोटेक्शन टर्न ऑन करता है। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपने इंटरनली लेनी है स्किन को अच्छा करने के लिए। जो एक्सटर्नल अप्रोच है उसकी आपको ज्यादातर जरूरत पड़ती है आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्किन खराब होती है आंखों के नीचे की। डेफिनेटली अंडर आई क्रीम लगाओ, हर 2-3 घंटे बाद अपनी सनस्क्रीन चेंज करो। जिस तरीके से जब हम खाना खाते हैं, हम मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं, हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं और जैसे इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं हम कहते हैं ये प्रोसेस्ड फूड है, ऐसे ही प्रोसेस्ड क्रीम्स होती हैं, प्रोसेस्ड सीरम्स होते हैं। आप इंग्रेडिएंट्स सिंपल रखो, कम से कम इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें खरीदो और जैसे ही आपको किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा तेज़ खुशबू आ जाती है और उसके अंदर परफ्यूम डाला है, उससे दूर रहो। अगर आप चाहते हो मैं एक वीडियो सिर्फ एक्सटर्नल अप्रोच पे करूं, एंटी पिगमेंटेशन, अंडर स्किन, कौन से केमिकल पील्स यूज करने हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आई होप ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज इसको शेयर करो एंड हेल्प अदर वुमेन गेट नेचुरली ग्लोइंग स्किन। थैंक यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।